अच्छा भला आदमी ना अपने काम पे आता है और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, अब इसके लिए फिर भागूँ वहाँ पे। अभी डायग्नोस कर रहे हैं भाई हमारे कि क्या मसला है, आईसी उड़ी है, बोर्ड इशू हुआ है। बाल कटवा लें, देखते हैं क्या फ़र्क आता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्क क्या है, अच्छा लग रहा हूँ कि बुरा लग रहा हूँ। तो बाल कटवाते वक्त मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ये बाल देख रहे हैं, कितने टाइम से लोग बोल रहे हैं कि बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, बड़े हो रहे हैं। कभी हेयर बैंड पहनता हूँ, कभी कुछ पहनता हूँ। तो अभी मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले आज जो है वो उसको थोड़ा सा कट करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। तो आइए जी चले चलते हैं, आज बाल कटवा के आते हैं। चलिए जी फटाफट खाना खाते हैं, बहुत लेट हो रहा है। गरम दाल चावल, तो जी खाना खा के जो है बस अब रवानगी ऑफिस की तरफ। और सबसे पहले बाल कटवाने, आपको मैंने बताया था, तो अभी बाल कटवाने के बाद जो है वो मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। पहले बाल कटवा लें, देखते हैं क्या फ़र्क आता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्क क्या है, अच्छा लग रहा हूँ कि बुरा लग रहा हूँ। तो बाल कटवाते वक्त मिलते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को भी ये हेयर कट है वो अच्छा लगा होगा। तो ऑफिस पहुँच गया हूँ फिलहाल, तो अब देखते हैं ऑफिस में क्या मामला चल रहा है। आई थिंक सो भी ये बेहतर है। क्या मंगवाया फैजान? देख रहे हैं जब तू होता है तो बन कबाब और बिरयानी, आज कीमा पार्टी चल रही है भाई। ओ हो सर, अभी भी रेट आए नहीं है, मैं पीछे लगा हूँ। आपके सामने मेरे पास वो दो पड़े हुए थे, आपने कहा था दिशान भाई रात चली जाएगी, कर रही हूँ वो भी पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए, पता ही नहीं था। थैंक यू। अच्छा भला आदमी ना अपने काम पे आता है और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, अब इसके लिए फिर भागूँ वहाँ पे। तो कभी इंसान का ना फोकस करने का, काम करने का दिल होता तो काम भी नहीं होता। लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा। आ हाँ आपको ठीक करके दे रहा हूँ। पता नहीं क्या पढ़ के दम किया जा रहा है लैपटॉप पे। दुरू शरी, माशाल्लाह दुरू शरी। हो गया उनको 5 मिनट ऐसे रखते हो हैं? 5 मिनट छोड़, 5 मिनट बाद इसको देखेंगे। लगा उसको। नया चार्जर से ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी क्या पता चल जाए। बस चार्ज हो रहा है? नो। क्या बोर्ड का इशू लग रहा है? मुझे तो बोर्ड का इशू। पर ये फिर क्या खर्चा, कितना खर्चा? किस चीज़ की इंश्योरेंस है यार? ये होती है वारंटी, वारंटी ये वारंटी की जगह इंश्योरेंस मुंह से निकला है। न्यू लैपटॉप की वारंटी होती होगी ना? ये अभी लैपटॉप सही कराने जा रहा हूँ शॉप पे, होप फॉर द बेस्ट। भाई कह रहे हैं कि क्या हो गया वलीद भाई? बोर्ड का इशू लग रहा है। बोर्ड का इशू लग रहा है क्योंकि कोई भी जो है ना मतलब ब्लिंक नहीं कर रही है, लाइट ऑन भी नहीं हो रहा है, ये बोर्ड का इशू मुझे लग रहा है। अल्लाह करे बोर्ड का इशू ना हो, वहीं जाके पता चलेगा। तो मैं इसको भी पैक कर लूँ दोबारा से बैग में और चलते हैं शॉप पे, वहाँ मुलाकात करते हैं। आओ जी। वैसे इशू क्या हो सकता है भाई इसका? वैसे नहीं बता सकते, कोई बोर्ड का इशू आया है, चार्जर का इशू है, चार्जिंग का मसला है। देखिए कितना टाइम लगता है यहाँ पे, वही 2 घंटे 3 घंटे। इंडिया अफगानिस्तान का चल रहा है मैच, 239/7 आउट। अफगानिस्तान ने अच्छा रन रेट बनाया लेकिन इंडिया जीत जाएगा। अभी डायग्नोस कर रहे हैं भाई हमारे कि क्या मसला है, आईसी उड़ी है, बोर्ड इशू हुआ है, क्या इशू आया है।
इतना बोल रहा है 50-50 चांस है क्योंकि बंदे ने चांस पे चला है, तो ये एक बंदा नहीं, उन्होंने एक सेफ साइड के लिए दो बंदे से लड़ाई की। 50-50 में नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो बैठ कैसे गए? एक्चुअली कल रात को जो है वो मैं कुछ चार्ज पे लगा के काम कर रहा था, आई थिंक ये चार्ज ज़्यादा ले लिया इसने, क्या हुआ है, इशू कर गया। और वो कह रहे हैं अब 50-50% चांसेस है, बनता है नहीं बनता कुछ नहीं पता। मैं इस वक्त ऑफिस आ चुका हूँ और लैपटॉप वाले का फ़ोन आया मुझे अभी, कह रहा है जीशान भाई इसके मदरबोर्ड का इशू आ गया है, दो तीन जगहों पर इसने मेरे जाने के बाद और भिजवाया, कह रहा है जीशान भाई 15-20 हज़ार रुपये का जो है वो तो 15-20 हज़ार रुपये का जो है वो खर्चा है। और लेट्स सी, देखते हैं, 15-20 हज़ार रुपये मैटर नहीं करता। 45,000 का मैंने लैपटॉप लिया था, 48,000 रुपीज़ का मुझे लैपटॉप पड़ा था, अगर 15-1 हज़ार रुपये का अगर खर्चा हो जाता है, मदरबोर्ड जो है वो चेंज हो जाता है तो नो इश्यूज़, बट पूरा लैपटॉप नहीं उड़ना चाहिए। दुआ करना है यार कि पूरा लैपटॉप सही रहे, 10-15 हज़ार रुपये का 8-10 हज़ार का खर्चा होता है तो फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे मैंने सीख लिया कि चार्ज पे लगा के नहीं रखना लैपटॉप को, अब से चार्जिंग फुल हो 90% पे 80% पे आप निकाल दो, जहाँ चार्जिंग ख़त्म हो उसके बाद फिर लगा दो। तो ये चीज़ मैंने सीख ली है और वो फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक सेट रखे सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा काम कंटिन्यू करते हैं, मूड नहीं है आज काम करने का, नुकसान होता तो बिल्कुल अब मूड ऑफ है, लेकिन काम ज़रूरी है, काम करते हैं उसके बाद देखते हैं लैपटॉप वगैरह क्या फ़ोन आया। और मैं भी अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी जान क्या हाल है, आ जाओ मेरी ब्लॉग बनाओगे? बंद करो ना यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं और पानी की बोतल दे दीजिएगा एक साथ ही। भाई आज ये भाई ने बोला कि आप क्या ब्लॉग बनाओगे, मैं आपका ब्लॉग बनाता हूँ। हम बेसिकली रोल लेने के लिए आए थे, बहुत भूख लगी हुई थी, आपको पता है लैपटॉप का जब से मसला आया था उसके बाद ना मैंने कुछ खाया ना पिया, अब लैपटॉप रात के 10:30 हो गए और अभी हमें कहीं जाना है, वलीद भाई मेरे साथ ही मौजूद हैं, जल्दी बना देना लेट हो। बहुत टेस्टी रोल है, कैसा लगा रोल वलीद भाई? अच्छा है। लेट हो रहे हैं, कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा सही से, कहीं जाना है, वहाँ पहुँच के मुलाकात कर रहा हूँ आप लोगों से, आ जाओ। दर पे पड़ा हूँ। सलाम अलैकुम, बुरा हाल है जी? ठीक है, मजा मां। तमाम की परेशानियों को दूर फरमाओ। इस्लाम का झंडा हर कोने कोने पे नाफिज फरमा, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी लगा दी दरबार पे और सुकून मिल जाता है यहाँ पर आके, अल्लाह के बलियों के दर पे आना चाहिए। के बज गए हैं 12:30 और मैं बहुत बिजी हो गया था, व्लॉग बना नहीं सका था, तो बस अभी इस व्लॉग को मैं एंड इधर ही करूंगा क्योंकि बहुत लेट हो गया, इस वक्त डैडी के साथ बैठा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का कपड़ा करूँ। तो मैंने कहा अभी डैडी के साथ बैठा हूँ और बस इस व्लॉग को मैं यहीं से एंड करूँगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ, मेरे रब की इसमें कोई मसलियत थी, हाँ फॉर अ टाइम बीइंग मैं परेशान ज़रूर हो गया था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, ज़ीशान भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।